तो आज के इस वीडियो का बहुत सारे व्यूअर्स बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आज मैं कवर करने जा रहा हूँ टॉप 5 क्लाउड गेमिंग एप्स जो आपको फ्री ट्रायल, फ्री प्ले टाइम या फिर बेसिक सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो गाइज एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने आज तक बहुत सारे क्लाउड गेमिंग एप्स को आपके सामने लाया है, लेकिन आज तक मैंने इस लिस्ट पे कभी वीडियो नहीं बनाई कि कौन कौन से बेस्ट क्लाउड गेमिंग एप्स हैं जो आपको फ्री ट्रायल या फिर फ्री प्ले टाइम देते हैं। तो एंड तक जरूर देखिएगा, काफी कमाल की वीडियो होने वाली है। सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो लोग भी अपने फोन में पीसी गेम्स खेलना चाहते हैं, क्योंकि आज मैं 5 क्लाउड गेमिंग एप्स को कवर करूंगा जिसमें आपको लगभग 1000 से ज्यादा पीसी गेम्स मिलेंगे। आपका फेवरेट पीसी गेम तो इसमें होगा ही। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, हमें टोटल 5000 लाइक्स का। चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़। तो गाइस आज की इस रैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले फटाफट जाइए कमेंट कीजिए कि आपका फेवरेट क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो गाइस रैंकिंग में नंबर 5th पे आता है नेटबूम। अब नेटबूम के ऊपर सबसे पहली वीडियो मैंने 2019 में डाली थी जिससे मेरे चैनल पे बूस्ट आया था। उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे आप लोग इसमें GTA 5 खेल सकते हैं, लेकिन ओवर द टाइम नेटबूम काफी महंगा एक्सपेंसिव क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म बन गया था और इसकी रेटिंग भी काफी कम है, 2.7 स्टार है। लेकिन रिसेंट अपडेट में इन्होंने फ्री टाइम का एक ऑप्शन लाया है जिसमें आप लोग कुछ एड्स देख के या फिर कुछ टास्क करके आप लोग इसमें प्ले टाइम को अर्न कर सकते नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको सबसे पहले नेटबूम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन। उसके बाद दोस्तों आपको अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। एक बार आप लोग अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे गए, आपको यहाँ पे फ्री टाइम का एक ऑप्शन दिखेगा। आप देख सकते हैं गाइज मेरे अकाउंट में 9 घंटे का यानी कि 9 आवर का प्ले टाइम पड़ा हुआ है। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपना अकाउंट मैंने अपने रिलेटिव के लड़के को दिया था और उसने गाइज फ्री टाइम वाले फीचर को यूज कर करके इतने ज्यादा आवर्स को अर्न कर लिया। अब 9 घंटे तक उसको फ्री प्ले टाइम मिल चुका है जो उसने एड्स देख के स्पॉन्सर टास्क करके अर्न किए हैं। तो गाइज जैसे आप लोग फ्री टाइम वाले टास्क पे जाते हैं, आपको सबसे पहले तो एक एड देखना पड़ेगा जिसमें आपको 2 कॉइन मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा ऐड देखना पड़ेगा, फिर आपको 2 कॉइन मिलेंगे। ऐसे कर करके आप लोग एक दिन में लगभग 15-16 कॉइन्स अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों गेम्स की बात करूँ तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने इंस्टेंटली इसमें स्टार्ट किया था WWE 2K23। ये एक ऑफिशियल गेम मैंने नेटबूम क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म पे खेला था और बहुत ही स्मूथली चल रहा था। तो गाइस नेटबूम लगभग 5 साल से मार्केट में है तो इसका गेम प्ले सबसे जबरदस्त है। आपको कोई भी लैग या फिर आपको पिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे, आप लोग स्क्रीन में गेम प्ले देख भी सकते हैं। एंड इसके अलावा इनके जो पीसी गेम्स की लाइब्रेरी काफी बड़ी है, जितने भी लेटेस्ट गेम है चाहे वो फीफा 23 हो, 2K23 हो, NBA का कोई गेम हो, ये सब अपडेट करते रहते हैं और इनकी पीसी गेम्स की लाइब्रेरी आगे बढ़ती रहती है। तो नेटबूम को अब आप इस नए फीचर के साथ बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। एंड हाँ गाइस अब नेटबूम में आप लोग को पीसी मोड भी मिलता है जिसमें आप लोग एक वर्चुअल क्लाउड पीसी डायरेक्टली अपने फोन में रन कर सकते हैं। इन सारे फीचर्स को देखते हुए और थोड़े ड्रॉबैक्स को देखते हुए नेटबूम को मैंने 5th पोजीशन पे रखा है। तो नंबर 4th पे आता है एक और चाइनीज क्लाउड गेमिंग ऐप जो कि आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है मोगुल। मोगुल यानी कि मशरूम क्लाउड गेमिंग ऐप। जब ये चाइना में लॉन्च हुआ था इसका नाम मशरूम सब उसको बुलाते थे, लेकिन इंडिया में आते इसने अपना नाम चेंज कर लिया, इसका नाम है मोगुल क्लाउड गेमिंग ऐप। प्ले स्टोर से आप लोग इजिली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोग इस ऐप को ओपन करेंगे, इसके ऐप को आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे 15 मिनट्स का फ्री प्ले टाइम मिल रहा है सारे नए यूजर्स को। यहाँ पे लोग स्क्रॉल करके देख सकते हैं 15 मिनट्स फ्री। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं गाइज आपको यहाँ पे GTA 5 पे ऑफिशियल GTA 5 उस पर आपको फ्री प्ले टाइम मिलेगा पर डे 15 मिनट्स का। अब यहाँ पे दोस्तों डेली चेक इन का भी आपको ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको 5 मिनट्स का प्ले टाइम मिलता है। बस आपको एक ऐड देखना है, आपको वॉच ऐड पे क्लिक करना है, फिर आप लोग को 5 मिनट्स का और प्ले टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मोगुल क्या कर रहा है कि आपको डेली गिफ्ट्स दे रहा है, यानी कि डेली लॉगिन पे आपको नए नए रिवॉर्ड्स दे रहा है जिससे आपको प्ले टाइम मिल जाएगा। अगर इसे गेम्स की लाइब्रेरी की बात करें तो गाइस जो भी आपको नेटबूम में गेम्स मिलते हैं वो सारे इसमें भी मिलेंगे। ये भी काफी टाइम से मार्केट में है, लेकिन यहाँ पे मोगुल को मैंने 4th पोजीशन पे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे कॉइन्स की जगह डायरेक्टली आपको प्ले टाइम मिनट्स में देता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मोगुल थोड़ा ज्यादा सूटेबल है यूज करने। नंबर 3rd पोजीशन पे आता है जॉय आर्क, और जॉय आर्क वालों ने तो बहुत ज्यादा मुझे खुश कर दिया है। आप जैसे ही जॉय आर्क को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको ओपन करेंगे, लॉग इन करेंगे, आपके आपके प्रोफाइल के ऊपर दिखेगा मिशन सेंटर। वहां पे जैसे आप देखेंगे आपको दिखेगा यहाँ पे लिखा है कंप्लीट टास्क टू गेट प्ले टाइम, और ये सबसे ज्यादा प्ले टाइम देता है एडवर्टाइजमेंट या फिर स्पॉन्सर टास्क करने पे। आप यहाँ मिशन सेंटर पे क्लिक कीजिए, फिर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे आपका जो गेम टाइम है वो आपका हर दिन क्लियर हो जाता है, मतलब जो आज आपने अर्न किया वो कल आपका टाइम नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली टास्क पे आपको 5 मिनट्स मिल जाता है, 2 ऐड देखेंगे आपको 5 मिनट्स और मिल जाएगा, 15 मिनट्स ऐसे ही हो गए। तो यहाँ से नेटबूम और गूगल को तो इसने पहले पीछे छोड़ दिया, सिर्फ 3 टास्क में आपको 15 मिनट से ज्यादा प्ले टाइम मिल गया। इसके बाद 2 और ऐड देखेंगे आपको 5 मिनट्स और मिल जाएगा, यानी टोटल 20 मिनट्स आपको पर डे का मिल गया। और जॉय आर्क की भी गेम लाइब्रेरी सबसे अच्छी है, एंड इसमें प्लस पॉइंट ये है कि पैल वर्ल्ड भी इसमें एडेड है,
यानी कि पैल वर्ल्ड गेम, अब आप लोग जॉय आर्क में खेल सकते हैं या फिर फैंटम लाइब्रेरी। इसके अलावा आप लोग को स्पाइडरमैन, माइल्स मोरेल्स और जो बेसिक गेम्स होते हैं, बस यहाँ पे पैल वर्ल्ड का एडिशन है जो शायद आपको ज्यादा पसंद आए, इसलिए मैंने यहाँ पे जॉय आर्क को थर्ड पोजीशन पर रखा है क्योंकि ये क्लियरली मोगुल को आउट परफॉर्म करता है। आता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और सबसे बड़ी कंपनी है जो क्लाउड गेमिंग को लॉन्च कर सकती है, शायद 2017-18 में ही लॉन्च हो गया था। इसका नाम है दोस्तों एनवीडिया जीफोर्स नाउ। आप सबको पता है कि एनवीडिया मेरे पीसी में लगा है, आपके पीसी में भी लगा होगा अगर एनवीडिया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपनीज है पूरे वर्ल्ड की, एंड इसीलिए एनवीडिया का जीफोर्स नाउ इज वन ऑफ द बेस्ट। आपको इस सेकंड पोजीशन पे मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि फर्स्ट वाला थोड़ा सा इससे अच्छा है। तो गाइस एनवीडिया जीफोर्स नाउ पे आपको एक बेसिक सब्सक्रिप्शन मिलता है जिसमें आप पर डे 1 आवर तक खेल सकते हैं, जिसमें कोई भी आपको अर्न वाला ऑप्शन नहीं मिलता, सिंपली बेसिक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है किसी भी इसके प्रोवाइडर से, क्योंकि एनवीडिया जीफोर्स नाउ पे आपको अलग अलग प्रोवाइडर मिलेंगे, पेंटानेट आव्या। तो मैंने इस पे एक फुल वीडियो डाल रखी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। तो एक बार आपने इसका कोई भी बेसिक सब्सक्रिप्शन ले लिया, फिर गाइस इसमें आपको बहुत ही भयंकर लिस्ट मिलती है पीसी गेम्स की। एनवीडिया जीफोर्स नाउ के बारे में ये है कि यहाँ पे आपको पर डे हर थर्सडे या फिर हर वीकली आपको नए डेमोज एंड फ्री पीसी गेम्स देखने को मिलते हैं। फ्री का मतलब ये कि आपको डेमो मिलेगा या फिर आपको फ्री ट्रायल मिलेगा इन गेम्स पे, क्योंकि एनवीडिया बड़ी कंपनी है तो नए नए गेम्स के साथ कोलैबोरेट करती रहती है और आपको डेमोज एंड फ्री ट्रायल्स देती रहती है। तो अगर आप लोग ऐसे गेमर हैं जो कोई भी पीसी गेम खेलना पसंद करते हैं या फिर ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक आपको GTA 5 या RDR2 चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आपको यहाँ नहीं मिलता, कोई भी गेम आपका इंटरेस्ट उसमें आ जाता है, तो आप एनवीडिया जीफोर्स नाउ यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि आपको एक VPN यूज करना पड़ेगा, लेकिन इसका गेम प्ले की स्मूथनेस के आगे सारे क्लाउड गेमिंग एप्स फेल है, क्योंकि ऑफकोर्स ये बड़ी कंपनी है तो आपको हर चीज एकदम परफेक्ट मिलती है और यहाँ पे नए नए गेम्स की जो लिस्ट है वो आती रहती है, तो आप कभी बोर नहीं होंगे। दोस्तों फर्स्ट पोजीशन पे आने से पहले हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं बोनस क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म का। बेसिकली ये क्लाउड गेमिंग तो नहीं है, ये एक रेंटिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप लोग पीसी एंड कॉन्सोल्स को रेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ इसका नाम है गेम सीसी, इसको आप लोग इजिली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप लोग लॉग इन करेंगे आपको एक कूपन मिलेगा जो लगभग 0.13 या $15 का होता है। फिर इस कूपन को यूज कैसे करना है, तो आप लोग जाएंगे इसके लिस्ट में जहाँ पे आपको PS5 या PS4 या क्लाउड पीसी दिखेंगे जिसको आप रेंट कर सकते हैं 30 मिनट्स के लिए, 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज दोस्तों ये है कि यहाँ पे आपको PS5 मिलेगा, PS4 मिलेगा, जिसमें आप लोग कंसोल के गेम्स खेल सकते हैं जो आपको और किसी क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता। तो अगर आप मान लीजिए $0.28 जो लगभग 30 से 40 रुपए होता है उसका आपने प्लान लिया और आपने कूपन को अप्लाई किया, तो आपको बहुत ही कम अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको और कॉइन्स अर्न करने हैं तो आप लोग इसमें एडवर्टीजमेंट्स यानी कि एड्स को देख के अर्न कर सकते हैं। आपको सिंपली माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाके फ्री क्रेडिट्स पे जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपसे ही एप्लीकेशन बोलेगा कि आप एक 30 मिनट्स का रिवॉर्डेड एड देखिए, यानी कि एक एडवर्टीजमेंट देखिए 30 सेकंड तक फुल आपको देखना है, फिर आपको दोस्तों एक क्रेडिट मिल जाएगा। तो इसको आप लोग खूब ज्यादा यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आप लोग क्रेडिट को अर्न कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन सिंस ये एक कंसोल क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म है तो आपको मजा बहुत आने वाला है, कोई भी कंसोल को रेंट कर सकते हैं। तो ये चीजें काफी फायदे वाली है गेम सीसी में, आप लोग कंसोल स्पेसिफिक गेम भी खेल पाए। तो इसको मैं बोनस भी इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये पूरी तरह से फ्री ट्रायल आपको नहीं देता, आपको थोड़ा सा यहाँ पे खर्च करना पड़ सकता है या फिर अर्न करना पड़ सकता है। अब दोस्तों फाइनली फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक गेम के बारे में आपको बताया था 5000 लाइक गेम में लाइक कर दीजिए। अब फाइनली हम लोग आते हैं नंबर 1 क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है जॉय सैक। अब देखिए जॉय सैक जो है एक रिसेंटली लॉन्च क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म है, प्ले स्टोर पे मुझे ये मिला था रिसेंटली, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे इसकी लिंक दी थी तो मुझे पता चला। अब जैसे आप लोग इसमें एक नया अकाउंट बना के एक नए यूजर की तरह साइन अप करते हैं तब आपको एक फ्री ट्रायल देता है पर डे, यानी कि आप हर दिन एक फ्री टाइम रिसीव कर सकते हैं जो लगभग 10 मिनट्स बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि आप लोग का जो पर डे का फ्री टाइम जो आप रिसीव कर सकते हैं वो आप रैंडमली भी कर सकते हैं, चाहे वो 15 मिनट्स या 30 मिनट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 15 मिनट्स का टाइम रिसीव किया जबकि यहाँ पे 10 मिनट्स ही दिखा रहा था। तो ये लगभग 10 से 30 मिनट का आपको फ्री प्ले टाइम देता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पीसी गेम्स मिलेंगे, GTA 5, RDR2 जिसको आप ऑफिशियली खेल सकते हैं, स्टीम एपिक गेम्स, बहुत सारे तरीके से आप लोग खेल सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कैसे कॉन्स्टेंटली इसका जो पिंग है वो सिर्फ ग्रीन है, यानी कि सिर्फ आपको ग्रीन और लो लेटेंसी एंड पिंग मिलेगा जिससे गेम बहुत स्मूथ चलता है। मैंने नेटबूम को भी स्मूथ बोला, मैंने जीफोर्स नाउ को भी स्मूथ बोला, लेकिन उसकी पिंग 100 से ऊपर 150 या 200 के आसपास रहती थी, येलो और रेड के बीच में उसकी पिंग रहती थी। लेकिन जॉय सैक की जो पिंग है वो ग्रीन में 43 से 50 ms की पिंग आपको यहां मिल रही, जो बहुत ही ज्यादा कम है। इसके पीसी गेम्स की जो वैरायटीज एंड लिस्ट है वो भी काफी लंबी है, आपको सारे हाई एंड ट्रिपल ए टाइटल्स मिलेंगे, इवन उसी के साथ साथ आपको फ्री प्ले टाइम रिसीव करने का मौका मिलेगा। और सिंस ये नया क्लाउड गेम प्लेटफॉर्म है तो आपको वेटिंग लिस्ट भी नहीं मिलेगी, तो सबसे पहले तो आपको जॉय सैक को ट्राई करना चाहिए, उसके बाद अगर आपको पसंद ना आए तब आप दूसरे क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आज की इस वीडियो मैंने डिस्कस किए 5 क्लाउड गेमिंग एप्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्कॉर्ड सर्वर को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे डिस्कॉर्ड पे मेरे सब्सक्राइबर्स से, या फिर आप डायरेक्टली मुझे इंस्टा
इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। अंटिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत।